ये अटल जी के अस्थि कलश हैं, उन्हीं अटल जी के जो राजनीति के अजात शत्रु रहे, जिनके अंदाज, जिनकी जिंदादिली और जिनके नजरिए को उनके विरोधी भी सलाम करते रहे। उन्हीं अटल जी की अस्थियां उस मिट्टी में विसर्जित कर दी जाएंगी जिनका मान वो ता उम्र बढ़ाते रहे। बीजेपी के पुराने दफ्तर यानी अशोक रोड पर आज पार्टी के तमाम प्रदेश अध्यक्ष बुलाए गए थे। सबको धरोहर के तौर पर अटल जी के अस्थि कलश सौंपे गए। अटल जी की विरासत के बूते अब बीजेपी आगे बढ़ने की तैयारी में है। ये अस्थि कलश अपने राज्यों में ले जाकर के यात्रा निकालेंगे, श्रद्धांजलि सभाएं की जाएंगी और राजधानी से लेकर स्टेट राजधानी से लेकर के पंचायत तक पूरे समारोह आयोजित किए जाएंगे ताकि लोग उनके अस्थि कलश के दर्शन कर चुके कर सकें। यही इनका इनका मकसद है कि क्योंकि लोगों में इतनी श्रद्धा, अटल जी के प्रति इतना सम्मान है, उसको देखते हुए बीजेपी ने ये फैसला किया है। बीजेपी का मानना है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक राजनीति के इस अजात शत्रु नेता को श्रद्धांजलि देना चाहता है, इसलिए बीजेपी ने देश भर में अटल जी की अस्थि कलश यात्रा निकालने का फैसला किया है। अटल जी का अस्थि कलश विशेष विमान से ग्वालियर जाएगा जहां उनका बचपन बीता। अस्थि कलश यात्रा के रथ को पूरे देश में घुमाया जाएगा। गुरुवार को चंबल नदी में अटल जी की अस्थियां विलीन हो जाएंगी। अटल जी का अस्थि कलश विशेष विमान से ग्वालियर जाएगा जहां उनका बचपन बीता। अस्थि कलश यात्रा के रथ को पूरे देश में घुमाया जाएगा। गुरुवार को चंबल नदी में अटल जी की अस्थियां विलीन हो जाएंगी। अटल जी की राजनीतिक कर्मस्थली रही लखनऊ में 18 अस्थि कलश पहुंचेंगे जिन्हें बीजेपी दफ्तर में रखा जाएगा। स्वर्गीय अटल जी की अस्थियां कल हम लोग एयरपोर्ट पहुंचेंगे लेके राजनाथ सिंह जी की अगुवाई में, और उसे उसमें अटल जी के परिवार के सदस्यजन भी रहेंगे और उसे लेकर के झूलेलाल पार्क में विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है। गोमती तट पर लखनऊ के मुख्य मार्गों से होते हुए श्रद्धांजलि यात्रा जाएगी और वहां हम लोग विसर्जित करेंगे। एक अस्थि कलश लेकर कल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचेंगे। इन अस्थि कलशों को सूबे के हर हिस्से में ले जाने की कोशिश होगी। उसके बाद पवित्र नदियों में अटल जी की अस्थियां विसर्जित कर दी जाएंगी।